नमस्कार स्टूडेंट्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो है वो सिलेबस थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो साइट पर अपडेट कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ही आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखना चाहते हैं, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देखना चाहते हैं, या थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस देखना चाहते हैं, किसी भी सेमेस्टर का अगर आप लोग सिलेबस देखना चाहते हैं अगर आप लोग, चाहे आप लोग बी ए में हो, बी ए बी एस सी में हो, बी कॉम में हो, बी बी ए में हो, या जो है बी सी ए में हो, किसी भी समय जो है उसमें आप लोग सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर की, और अगर आप लोग सिलेबस जानना चाहते हैं तो सिंपली आप लोगों को गूगल क्रोम पे जो है वो पी डी यू एस यू अपडेट सर्च कर लेना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पी डी यू एस यू अपडेट सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आप लोगों नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को साइट मिलेगी। सबसे पहले वाली साइट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, या तो आप लोग यहाँ पे जो है वो मेन वेबसाइट पर आ सकते हैं, या आप लोग चाहें तो सिलेबस का आप लोगों को ऑप्शन जो है यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिए, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पहले वाले पे ही जो आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो यूजी अंडर जो ग्रेजुएट एक तरीके से करिकुलम जो फ्रेमवर्क है वो आप लोगों के लिए सामने यहाँ पर है कि किस किस तरीके से क्या क्या जो है वो होने वाला है, वो सारे का सारा जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का आप लोगों के जो है वो सब पूरा जो है फ्रेमवर्क आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ जो है वो सब कुछ आप लोगों के लिए जो है वो मेंटेन किया हुआ है सारा का सारा सिस्टम। अगर आप लोग इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, वरना अगर आप लोग सिर्फ सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो किससे के अकॉर्डिंग सिलेबस देख रहे हैं, बीएससी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, या आप लोग यूजी में जो है वो एक तरीके से बीए में देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, या कॉमर्स फैकल्टी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। संस्कृत, उर्दू, जो भी इंग्लिश अगर आप लोगों ने दे रखी है, या फिजिकल एजुकेशन के लिए यानी बीए बीएससी में फिजिकल एजुकेशन अगर आप लोग ले रखे हैं तो किसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग जो है वो यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोग जो है वो बीएससी में अगर आप लोग देखना चाहते हैं, लाइफ साइंस में अगर आप लोग जो है अपना सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये डाउनलोड का ऑप्शन आप लोगों के लिए मांगेगा, आप लोग जो है सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आप लोगों के सामने इस तरीके से जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। 21 पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास 7-6 MB की जो है आप लोगों के पास ये पूरी PDF है। PDF में जब भी डाउनलोड हो जाएगी आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का जो है वो देखने को मिलेगा। थोड़ा डाउनलोड हो जाए जल्दी ही, देखिए जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बस। बस 18 सेकेंड, हालांकि इतनी नहीं लगने वाली है, बहुत जल्दी ही जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। 17 सेकेंड, ओके लो भाई, बस ये जो है वो डाउनलोड होने को ही है। ये लीजिए, डाउनलोड हो चुका है अपने, ठीक है, कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये आप लोगों के सामने ओपन हुई जो है पूरी की पूरी PDF आप लोगों के सामने है। नीचे की अगर तरफ अगर आप देखें तो आप लोगों के सामने जो पेजेस हैं यहाँ पर वो 51 पेजेस हैं। इस पूरी PDF में कितनी पेजेस हैं, 51 PDF जो है वो पेजेस हैं। पूरे जो है वो बीएससी का सिलेबस है, आप लोगों जितने भी सेमेस्टर हैं उनका सारे का जो सिलेबस है वो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए है। अब ये कौन से का है सिलेबस आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, सेमेस्टर 1-4 सबका सिलेबस आप लोगों के सामने जो है वो मेंटेन किया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है सब कुछ आप लोगों के लिए मेंटेन किया हुआ है। यहां पर आप लोग जो है सबसे पहले देख पा रहे हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का जो है वो आप लोग यहां पर जो है वो क्या देख पा रहे हैं, सिलेबस देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों के सामने जो भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा जो है वो तैयार किया हुआ है। जैसे कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, या मेटेलिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग, जितने भी जो है वो पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा सेट किया हुआ है। ये पूरा का जो है केमिस्ट्री का है, ठीक है। अब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जो है आप लोगों का क्या सिलेबस रहने वाला है ये भी आप लोगों के सामने है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर जो है वो कुछ दिया हुआ है, या फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों पेपर आप लोगों के जो भी होता है वो सब कुछ दिया हुआ है। वाइवा के अकॉर्डिंग वो भी आप लोगों को दिया हुआ, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा जो है वो पोर्शन आप लोगों के लिए सब कुछ मेंटेन करके दिया हुआ है। इसके बाद में अगर आप लोग देख पाएं तो केमिस्ट्री के सेकंड जो है या सेकंड सेमेस्टर के लिए वो पिछले वाला फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग था, अब ये सेकंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस जो है मेंटेन करके दिया हुआ है। अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं कि आप लोगों को सीधे PDF मिल जाए तो आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है वो जा सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को जो है पूरी PDF जो है पिन करी हुई मिल जाएगी आप लोगों को, वहाँ से जाकर आप लोग जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है देख सकते हैं।
आप लोगों को साइट पे भी आने की जरूरत नहीं है, और शेखावटी यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जितनी भी अपडेट्स, वो सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी आप लोग सब्जेक्ट का देखना है, सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, आराम से जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसके बाद में बात करें अपन जो है वो अलग इसके पॉइंट ऑफ व्यू की, अगर आप लोग जो है वो जैसे कि सोशल साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसको आप लोग जो है वो सिंपली जो है आप लोगों को बस डाउनलोड करना है। जैसे कि इस तरीके से जो है आप लोगों की पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगी, 37.39 MB की है। फिलहाल के लिए मैं इसको जो है कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए, अपना सिलेबस जो है कंप्लीटली चेक कीजिए कि आप लोगों का सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। बाकी शेखावटी यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट्स आप लोगों को चाहिए, सारी की सारी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल PDUSU अपडेट्स पर मिल जाएगी आप लोगों को, जिसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाकर उसे जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, PDF वगैरह किसी भी आप लोग बस जो है वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स सब कुछ जो है वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा आप लोगों को फिर से तहे दिल से थैंक यू स्टूडेंट्स।